हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में। इसकी सिनॉप्सिस की हम बात करें तो पहला है इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ जीनोम, प्रोकैरियोट जीनोम, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, एनालिसिस ऑफ CDNA क्लोन्स एंड एरे हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन चिप्स, यूज ऑफ ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ तो जीनोम जो है सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है माइक्रो एरे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक तथा पायरोक्सी वैक्सिंग आदि नई तकनीकों से एक नई विधा को जन्म दिया है जिसे क्रियात्मक जीनोमिक्स या फंक्शनल जीनोमिक्स कहते हैं। इस विधा में संपूर्ण जीनोम अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन जो है का अध्ययन किया जाता है। कुछ अनुवांशिक वैज्ञानिक इस विधा को अनुवांशिकी का विशेष लक्ष्य मानते हैं। फंक्शन ऑफ जीनोम, मानव के जीनोम की पूरी सिक्वेंस ज्ञात होने के बाद वैज्ञानिक उन चेंज के कार्यों अर्थात जीन्स के द्वारा होने वाले कार्यों की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तभी हमें अनुवांशिक बीमारियों के जीन तथा अन्य सामान्य जीन के कार्य ज्ञात हो पाएंगे। अर्थात जीन जो है श्रृंखलाओं की अभिव्यक्ति को ज्ञात करना वैज्ञानिकों का परम उद्देश्य है। इस कार्य में जीन चिप संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, एरे हाइब्रिडाइजेशन तथा अन्य तकनीकें जो है सहायक हैं। यहाँ पे हम प्रोकैरियोट जीनोम की बात करें तो प्रोकैरियोट जो है सेल्स विशेषकर ई कोलाई के जीनोम की संपूर्ण जो है न्यूक्लियोटाइड चेन ज्ञात हो चुकी है। इसके जीनोम में 4288 जो है तथा कल्पित प्रोटीन जो है कूट जीन पाए जाते हैं। इनका जो है 1/3 भाग अच्छी तरह से समझा जा चुका है जो कि ज्ञात प्रोटीन उत्पन्न करता है, जबकि 38% का कार्य ज्ञात नहीं है। प्यूटेटिव या कल्पित प्रोटीन को कोड करने वाली चेंज जो कि किसी प्रोटीन को कूट नहीं करती है उनको ओपन रीडिंग फ्रेम्स कहते हैं। कोडोन AUG से प्रारंभ होती है तथा ऐसे कोडोन की चेंज से निर्मित होती है जो कि विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए उत्तरदायी होती हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो मानव की जो अनुवांशिक बीमारियों तथा उनके इलाज में विशेष सहायक है। यद्यपि जीनोम अनुक्रम हमें यह भी नहीं बताता है कि उसका कार्य क्या है तथा ये विभिन्न जैविक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि जीन या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, गुणसूत्र या जीनोम हमें किसी प्रकार की सूचनाएँ ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों को परंपरागत अनुवांशिक अध्ययन तथा आणविक विश्लेषण करना पड़ता है। यदि अनुवांशिक वैज्ञानिक यह ज्ञात करना चाहते हैं कि एक निश्चित अंडे से संपूर्ण मानव किस प्रकार से बनता है, पांच नंबर जो टॉपिक दोस्तों वो है एनालिसिस ऑफ CDNA क्लोन्स। तो मानव में 5% से भी कम जीनोम अमीनो अम्लों को कोड करते हैं तथा उसमें जीन लगभग 30% का होता है। इसलिए प्रोटीन का निर्माण करने वाले जीनोम को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक जो हैं वह CDNA क्लोन्स का अध्ययन करते हैं, और वैज्ञानिक CDNA की छोटी छोटी चेंज के अतिरिक्त एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस जो है टेस्ट का अध्ययन करते हैं। मानव CDNA की संख्या जो है 1997 तक लगभग 80 के थी। यद्यपि इनमें जो है अधिकतर CDNA चेंज एक ही जीन ट्रांसक्रिप्ट से प्राप्त की गई हैं, मतलब की गई थी। एक जीन जो है कि अलग अलग भागों से कई CDNA प्राप्त हो के जाते हैं जो है एरे हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन चिप्स। मानव के संपूर्ण जो है जीवन के अनुक्रम से अनुवांशिक वैज्ञानिक जो है प्रत्येक जीन की अभिव्यक्ति का अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड
हाइब्रिडाइजेशन प्रो ऐसे जो पूरक संश्लेषण करते हैं जो कि प्रत्येक जो है ORF ओपन रीडिंग फ्रेम के ट्रांसक्रिप्ट के समान होती है। PCR की हेल्प से जो जीनोम के प्रत्येक जीन की लाखों प्रतिलिपि बनाए जा सकते हैं। इस तकनीक की सहायता से वैज्ञानिक मनुष्य में पूर्ण परिवर्तन के जीनोम अभिव्यक्ति में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात कर सकते हैं। यूज ऑफ ग्रीन जो है फ्लोरोसेंट प्रोटीन, एरे हाइब्रिडाइजेशन तथा जीन चिप तकनीकों का प्रयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि जीन का अनुलेखन होता है परंतु इनसे उनके अनुवाद के संबंध में ज्ञात नहीं होता है, अर्थात जो जीन कूट हुए हैं वे अनुवादित होते हैं या नहीं। इसलिए जीव वैज्ञानिक अधिकतर एंटीबॉडीज एंटीबॉडी या रोग प्रतिकारक का उपयोग जो है जीन से बनी प्रोटीन को ज्ञात करने के लिए करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट तकनीक का उपयोग जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस में बिलग हुए प्रोटीन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कंक्लूजन की हम बात करें यहाँ पे तो विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों से जिस नई विधा को जन्म दिया है उसे क्रियात्मक जीनोमिक्स कहते हैं। इस विधा में संपूर्ण जीनोम की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। यह आनुवंशिकी का विशेष लक्ष्य है। इन तकनीकों को से हमें अधिक नए जीन्स की अभिव्यक्ति का पता चलती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे YouTube चैनल पे सारे MSc जूलॉजी के नोट्स उपलब्ध होंगे और आप मुझसे चाहे तो PDF के तौर पर नोट्स ले भी सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।